शिवाय कैसे हो? परेशान हूं भगवान दास। क्यों? क्योंकि तुम परेशान। नौकरी छोड़ने की क्या आवश्यकता थी? कालिया ने मेरे ताऊजी का बहुत अपमान किया था, इसलिए। तो उसमें नौकरी छोड़ने की कौन सी बात आन पड़ी भगवान दास? कमाल करते हो यार, वो कालिया सरेआम सबके सामने मेरे ताऊजी की बेइज्जती कर रहा था, अपमान कर रहा था, उन्हें धक्के मारकर ऑफिस से बाहर निकाल रहा था, और मैं चुपचाप खड़े देखता रहूं, बर्दाश्त करता रहूं? आत्मसम्मान नाम की कोई चीज है कि नहीं? कल को मेरी अंतरात्मा मुझे धिक्कारेगी या नहीं? भगवान दास, ये दो तरह की बातें मुझसे बिल्कुल मत किया करो। यार मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं तुम्हारी कौन सी बात मानूं और कौन सी नहीं। मैं समझा नहीं। उस दिन तुमने मुझसे क्या कहा था कि एक गरीब आदमी के डिक्शनरी में आत्मसम्मान, स्वाभिमान, अभिमान जैसे शब्द ही नहीं होते, और आज तुम क्या बोल रहे हो? भगवान दास, उसकी माँ का अपमान हुआ। गरीबों का सम्मान ही कहाँ होता है जो अपमान होगा शिवाय? अरे आत्मसम्मान तो होता है। अरे शिवाय, ये आत्मसम्मान, अभिमान, स्वाभिमान और जितने भी मान सम्मान है ना, ये गरीबों के डिक्शनरी के लिए नहीं होते शिवाय। नो शिवाय, नहीं, आई वॉज रॉन्ग। गरीब आदमी में भी आत्मसम्मान होता है, ये बात अलग है कि मुसीबत आने पर ही उसे उसका एहसास होता है। मैं गलत था। तुम ठीक थे भगवान, तुम अपनी जगह बिल्कुल सही थे। हाँ, लेकिन ताऊजी का अपमान होने के बाद भी तुम उस कंपनी में काम करते तो वो गलत होता। थैंक यू शिवाय, लेकिन नौकरी तो गई। अरे तो क्या हो गया भगवान दास, कोई दूसरी मिल जाएगी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तो बस मुझे आशीर्वाद दो कि जल्दी से एक अच्छी नौकरी मिल जाए। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। तो कल से मिशन नौकरी शुरू। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू शिवाय। हेलो, मैं भगवान दास चौबे बोल रहा हूँ। चौबे जी, दरअसल मैं नौकरी छोड़ दी है मैंने। अच्छा, इज देयर एनी जॉब फॉर मी? ओ चौबे जी, अभी मतलब फिलहाल हमारे यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। जी ठीक है। इसमें क्या है? It's good for health. बहू, कल रात आलू की सब्जी बची होगी, वो मुझे दे दो। वो तो मैं दोपहर में खा गई ताऊ जी, और आप भला क्यों बासी सब्जी खाएंगे? ये ताजी वाली खाइए। अरे कल रात की ही तो थी, और वो भी क्या बासी थी? बासी सब्जी तो हम अपने हमीरपुर में खाते हैं। अरे बबली बेटा, वो हमारी कोचिंग क्लासेस कैसे चल रही? पापा, मैंने कोचिंग क्लासेस छोड़ दी। क्यों? वो बेकार में टाइम वेस्ट हो रहा था, और वैसे भी मैं अब स्कूल में अच्छा पढ़ती हूँ और घर आके रिवीजन कर लेती हूँ, इसलिए मैंने कोचिंग क्लासेस छोड़ दी। पापा ये झूठ बोल रही है, पता है प्रिया दीदी को क्या बोलती है? फीस ज्यादा बढ़ गया है इसलिए मैं नहीं पढ़ूंगी। पप्पू बहुत ज्यादा बोलता है, चुपचाप खाना खा। पापा देखो डांट रही है। अरे भगू बेटा, तुम्हारी नौकरी का क्या हुआ, कहीं कुछ बात बनी? कोशिश कर रहा हूँ पापा जी, मिल जाएगी। अरे पापा जी, अब दिन ही कितने हुए हैं नौकरी छूटे, हाँ कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगी ना नौकरी, आप फिक्र मत कीजिए और शांति से खाना खाइए। पापा जी, पता नहीं क्यों मुझे लगता है जैसे कुछ छोटा मोटा धंधा शुरू कर लेना चाहिए। नहीं हाँ, ये ठीक है, मैं भी थोड़ा हाथ बटा दिया करूँगा। वही तो, और मैं भी हाथ बटा दिया करूंगी, मुझे ज्यादा काम कहाँ होता है घर में, वैसे भी। कौन सा धंधा करने की सोच रहे हो बेटा? अभी सोचा नहीं पापा जी, पर अब लग रहा है जल्दी सोचना पड़ेगा। बेटा भगवान, अगर तू कहे मैं तेरे बॉस से माफी मांग लूं। बिल्कुल नहीं, उस बदतमीज कालिये से कभी नहीं, उसने अपमान किया आपका। अरे वो भी कोई अपमान था, बिल्कुल बेकार का अपमान था। अरे मेरा असली अपमान तो हमीरपुर में होता है। होता होगा, मेरे सामने नहीं होगा, और ये हमीरपुर नहीं कानपुर है। आप माफी नहीं मांगेंगे, दैट्स ऑल।